तो आप सबका स्वागत है हमारा इस छोटा सा यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल का नाम है हाउ टू बांग्ला प्रो। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो एसएससी जीडी मेडिकल के एडमिट कार्ड के साथ क्या हुआ, क्या छेड़खानी हुआ, एसएससी जीडी की मेडिकल की एडमिट कार्ड अभी क्यों नहीं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि आपका एडमिट कार्ड कब से स्टार्ट होगा और एसएससी जीडी की मेडिकल के एडमिट कार्ड के साथ क्या हुआ, अभी क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो दोस्त आप लोग देख सकते हो मैं अभी हूँ सीआरपीएफ या जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, यह है, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बोल रहा है। यूज़र नेम है आपका जो रोल नंबर है वही रोल नंबर, और आपका पासवर्ड जो है यह है आपका डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर आप लोग अभी ट्राई करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए तो आपको पास क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आपको पास रेड कलर में ऐसा लिखा हो जाएगा यूज़र नेम नॉट, मतलब कि आपका जो है आपको इनकरेक्ट बोला जाएगा। लेकिन दोस्त आपका सब कुछ सही है, आप लोग घबराए नहीं, आपका डाउनलोड भी होगा। तो दोस्त अगर आप लोग भी जानना चाहते हो एसएससी जीडी की मेडिकल के एडमिट कार्ड के साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है एसएससी जीडी के साथ, तो मैं आप लोग जिनसे अभ्यर्थी है आपने अपना डाउनलोड नहीं किया मेडिकल की प्रवेश पत्र, उन लोग घबराए नहीं, आपका कुछ भी नहीं होगा। अभी तक पूरा सब कुछ रिलीज नहीं हुआ है, बस सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम हुआ है उनका वेबसाइट पर। मैं आपको बोलता हूँ, देखिए ये मैं हूँ अभी सीआरपीएफ की वेबसाइट पर। लेकिन दोस्त इसके पहले मैं आपको बोलता हूँ, ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट आप नहीं देगा, क्योंकि आप लोग उनका वेबसाइट पे विजिट करोगे उसके बाद उसका इसी लिंक में आओगे। लेकिन दोस्त आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग गूगल में बस सिर्फ सर्च करोगे crpfexam.in, मैं आपको बोलता हूँ ये है उसका वेबसाइट crpfexam.in। crpf की दो वेबसाइट है, मैं आपको बोलता हूँ crpf की दो वेबसाइट है, 1+1 फास्ट की जो वेबसाइट है मैं आपको वो बोलता हूँ, देख लीजिए ये है फास्ट की वेबसाइट, यह देख सकते हो आप crpf की, यह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की यह वेबसाइट है फास्ट वेबसाइट, आप देख सकते हो ये, देख लो ये है इसका crpfgov.in, ये आप देख सकते हो ये है इसका फास्ट वेबसाइट। लेकिन इसी वेबसाइट पे अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको कुछ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अगर आप लोग भी सोचते हो कि मतलब कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे जाओगे, आपको मेडिकल के एग्जाम का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्त। ये जो वेबसाइट है सीआरपीएफ की वेबसाइट है, लेकिन ये सीआरपीएफ की अलग से वेबसाइट है, आपको पता नहीं है, मैं आपको वो वाला वेबसाइट भी बोल दूंगा नेक्स्ट टाइम भी आप अपना कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्त ऐसा हुआ कि मैं आपको बोलता हूँ, ये देख सकते हो आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है crpfgov.in, तो ये रहा एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम कब तक, मतलब कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने वाला है। तो आप देख सकते हो 27 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इस नोटिफिकेशन कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपका जो मतलब कि मेडिकल के लिए जो है आपका मेडिकल एडमिट कार्ड कब से आएगा, कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ मैं आपको बोलता हूँ दोस्त, ये देख ले, तो ये जो मतलब कि अभी जो मैं वेबसाइट पर हूँ वही वाला वेबसाइट है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आज से ठीक 30 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद आपको सेम प्रोसेसर फॉलो करना है दोस्त। ये जो एग्ज़ाम मैं आपको बोलता हूँ, ये आपको बस सिर्फ कुछ नहीं टाइप करना है, आपको बस सिर्फ सीआरपीएफ एग्ज़ाम टाइप करना है। क्या आपको टाइप करना है मैं आपको बोल देता हूँ, सीआरपीएफ, आप देख सकते हो सीआरपीएफ एग्ज़ाम, ये बस सिर्फ वही आप टाइप करो गूगल में, तो इसे वाले आपको पेज आ जाएगी, आप यहाँ से जाके भी मतलब कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो यूट्यूबर है, मैं देखा काफ़ी सारा यूट्यूबर है, उन लोग आपको नहीं बोलता है, उन लोग बस सिर्फ ये बोलता है कि आप लोग मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर भाई तू सीधा सीधा बोल देना कि आप कौन सा वेबसाइट पर जाइए, तो क्यों मतलब कि घुमा रहे हो, तो ऐसा बात नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बोल देता हूँ ये बस सिर्फ वेबसाइट है। नहीं तो अगर आपको उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी मैं भी यह जो लिंक है इसका भी मैं मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी सिर्फ मेरा वीडियो के नीचे आइए, यहाँ से जाके सेम ये वाला जो पेज है इसका लिंक भी आपको मैं बोल दूंगा, आप ऐसे जाके उसको डाउनलोड कर लेना। तो क्या हुआ कि मैं आपको बोलता हूँ एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड 27 तारीख को शाम को 4 बजे, 27 दिसंबर को एसएससी जीडी की ऑफिशियल मतलब कि सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही मेडिकल डीएमए के लिए मेडिकल एसएससी जीडी की मेडिकल के लिए जैसे ही उन्होंने सब कुछ अपलोड किया, अपलोड होने के बाद एक घंटा के अंदर में वेबसाइट क्रैश हो गया। मैं आपको बोलता हूँ वेबसाइट क्रैश हो गया, जिसके लिए आप अपना वेबसाइट मतलब कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी सारा यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि फेक है, मतलब कि किसी ने लीक कर दिया, दोस्त ऐसा नहीं होता है, यह गवर्नमेंट ही है, आप इसको लीक नहीं कर सकते हो, कोई यह जो वेबसाइट चल रहा है किसी एक का मर्जी के ऊपर नहीं चल रही है, इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर चल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के ऊपर। क्या हुआ कि
यह जो वेबसाइट है, जैसे ही उन्होंने अपलोड किया एडमिट कार्ड, ऐसे काफ़ी सारा विद्यार्थी जो है इस पर ट्रैफिक आने लगा, जिसके कारण यह जो वेबसाइट है यह वेबसाइट क्रैश हो गया। इसलिए उन्होंने जो मतलब कि जल्दी से जल्दी उसको वापसी ब्लॉक कर दिया। अभी आप लोग इसको ठीक करेंगे, उन लोग के पास CRPF दिन रात लगा हुआ है, आप लोग टेंशन मत लो, CRPF दिन रात काम कर रहा है आपके लिए। अब उसके बाद ही उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कि जैसे ही वेबसाइट, अगर आप लोग समझिए कि अगर आप, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, अगर आप 50 kg, अगर आप 50 kg कैरी कर सकते हो, 50 kg कैरी कर सकते हो, अगर मैं आपको 500 kg दे दूँ तो आपको क्या होगा, आप बोलिए। मैं 500 kg, आप बस सिर्फ 50 kg, 500 kg मैं आपको ऊपर चढ़ा दूंगा, तो आप क्या करोगे, आप तो उसको नहीं लेके जा सकते हो ना। ऐसी हुआ ऐसी, मतलब कि CRPF की वेबसाइट पर जैसे ही उन्होंने मतलब कि अपना जो मेडिकल के लिए DMA के लिए प्रवेश पत्र जारी किया, इसी टाइम इतना ट्रैफिक पड़ गया, इतना ट्रैफिक कर गया कि वेबसाइट क्रैश हो गया, जिसके लिए आप लोग भी आप अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो। दोस्त, आप लोग घबराए नहीं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्त मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी जो एडमिट, मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा एडमिट कार्ड जो मैंने डाउनलोड किया, मैंने भी डाउनलोड नहीं कर पाया, बस एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा सेंटर वेंटर सब कुछ। तो दोस्त आपको बस वही बोलना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो एक दो दिन के अंदर में आ जाएगा। मैं कोई आपको मतलब कि कोई डेट नहीं बोल रहा हूँ, कि मतलब कि कोई मेरे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि इतना तारीख को रिलीज़ होगा, लेकिन आपका जो है 30 तारीख के बाद ही, मेरा ख्याल जितना है मैं आपको बोलता हूँ, 30 तारीख के बाद, 30 DAC के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों का आप लोग घबराए नहीं, जिन सारे विद्यार्थी है डाउनलोड कर लिए उनका तो ठीक है, जिन जिन विद्यार्थी ने डाउनलोड नहीं किया आप लोग भी एकदम घबराए नहीं, आपका भी कुछ नहीं होगा, आपका भी डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग घबराए नहीं। दोस्त अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्त मैं ही मतलब कि मैं भी आपकी तरह कैंडिडेट हूँ, मैं भी अपना एडमिट कार्ड आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त कैसा लगा आपको आज की वीडियो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।